if they want to build good fitness, good health, this is the blueprint. फिर आप एवरेस्ट नहीं, आप लोकल पहाड़ भी नहीं चढ़ पाओगे कभी लाइफ में. फ्रेंड्स जो लोग 40 साल के हो गए आज, यू नो मैं 42 का हूँ, तो मेरा फ्रेंड ग्रुप यू नो उस उम्र का है. कभी कभी उनको पूछता हूँ आपका एवरेस्ट क्या है लाइफ में. मैं 110 किलो का था तो अगले साल में यू नो 80 किलो का नहीं हो गया. कुंतल ए जॉयशर दुनिया के पहले वीगन माउंटेनियर है जो माउंट एवरेस्ट के पीक पर पहुंचे. जानेंगे कि एक वीगन माउंटेनियर बाकी माउंटेनियर्स से कितने अलग है. जो वीगन होता है वो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं करता है किसी भी फैशन में, राइट. लोगों का ये मानना है कि वीगनिज्म मतलब एक खाने की शैली है, या फिर यू नो लाइक शाकाहारी डाइट है, या फिर उस माइंडसेट में लोग रहते हैं. यस, खाना बहुत ही बड़ा पार्ट है वीगनिज्म का. सो फॉर एग्जांपल जैसे दूध, दही, घी, बटर, चीज़, पनीर, अंडा, मांस, कोई भी चीज़ मैं कंज्यूम नहीं करता. इवन हनी भी नहीं कंज्यूम करता. सो कोई भी चीज़ जिसके लिए किसी एनिमल का शोषण किया गया हो, या किसी एनिमल को यूज़ किया गया हो, या किसी एनिमल के प्रोडक्ट्स या बाय प्रोडक्ट्स को यूज़ किया गया हो, वो मैं कोई भी चीज़ कंज्यूम नहीं करता हूँ खाने के फॉर्म में. बट मेरे लिए वीगनिज्म खाने से भी बढ़कर है, क्योंकि ये मेरा चॉइस है, ये मेरा एथिकल चॉइस है कि मुझे एनिमल्स को कोई हार्म नहीं पहुँचाना है. जितना बन सकता है मेरे साइड से, प्रैक्टिकली जितना पॉसिबल भी है मेरे साइड से, मैं यहाँ कोई खड़े रह के कोई मॉरल हाई ग्राउंड नहीं ले रहा हूँ कि मेरी लाइफ आपकी लाइफ से बेटर है, मैं आपसे बेटर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ मैं. ये मेरी पर्सनल चॉइस है. जैसे अगर कोई भी चीज़ हो, जैसे वुलन का स्वेटर हो गया, या फिर लेदर के बूट हो गए, या फिर सिल्क की स्लीपिंग बैग लाइनर हो गया, या फिर सिल्क के कपड़े हो गए, या फिर फेदर जैकेट बोलते हैं, जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है माउंटेनियरिंग वर्ल्ड में, तो फेदर जैकेट हो गए, ये कोई भी चीज़ का मैं उपयोग नहीं करता, क्योंकि इन हर चीज़ के लिए अगेन एनिमल्स को यूज़ किया गया है, तो मैं इन चीज़ों का भी यूज़ नहीं करता हूँ. या फिर जितना मेरे कंट्रोल में है, फॉर एग्जांपल समझो अगर किसी याक या फिर किसी गधे को या यू नो खच्चर को यूज़ किया गया हो एनिमल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लाइक यू नो हमारा गैर ट्रांसपोर्टेशन है उसके, तो वो भी अगर मेरे कंट्रोल में है, कभी कभी मेरे कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि ये सारे एक्सपीडिशन का सब साथ में चीज़ होती है, तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि ये करो ये करो, बट जितना मेरे हाथ में है उतना मैं कंट्रोल करता हूँ. जहाँ मैं ह्यूमन पोर्टर्स यूज़ कर सकता हूँ, अगर मुझे एक्स्ट्रा भी पैसे देने पड़े तो मैं ह्यूमन पोर्टर्स यूज़ करता हूँ. कहाँ अगर हेलीकॉप्टर से भी अगर सामान भेजा जा सकता है तो मैं हेलीकॉप्टर से भी सामान भेजूँगा. तो मेरे लिए एक वीगनिज्म एक खाने से बढ़कर है, मेरी वो लाइफस्टाइल चॉइस है, मेरी वो एथिकल चॉइस है. तो अभी आपको समझ में आ गया वीगनिज्म क्या है. तो वीगन माउंटेनियर और नॉन वीगन माउंटेनियर के बीच में मेन डिफरेंस यही है कि मैं वीगन हूँ और साथ में माउंटेनियर हूँ, पर अदरवाइज मेरे हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है. अब 2009 में मैंने डिस्कवर किया कि मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम है माउंट एवरेस्ट चढ़ाई कर रहा हूँ, और मैंने 3-4 एजेंसीज, ये यूरोप बेस्ड एजेंसी है, कैनेडा बेस्ड एजेंसी है, अमेरिका की भी बेस्ड एजेंसी है, तभी इंडिया में इतना एवरेस्ट क्लाइंबिंग पॉपुलर नहीं था 2009-2010 के टाइम में, सिर्फ आर्मी या नेवी और वो लोग ही चढ़ते थे एवरेस्ट. फर्स्ट सिविलियन समिट्स इंडिया से 2009 में हुए, प्राइवेट ग्रुप से एटलीस्ट, जितना मेरा रिसर्च बोलता है. तो उस दौरान मैंने भी डिसाइड किया मैं भी एवरेस्ट चढ़ने वाला हूँ. तो एक कैनेडियन एजेंसी और यूरोपियन एजेंसी से बात चल रही थी, मैंने उन्हें बोला कि अगर मैं एवरेस्ट चढ़ूंगा तो वीगन करके ही चढ़ूंगा, क्योंकि वीगनिज्म मेरी ज़िंदगी में पहले आया है और कुछ इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए मेरे एवरेस्ट के चढ़ाई पे पर से, एटलीस्ट मेरा ये मानना था. तो रिटर्न में काफ़ी पुशबैक आया कि नहीं कर सकते हो एज अ वीगन, एवरेस्ट नहीं चढ़ सकते हो. तो मैंने पूछा क्यों नहीं चढ़ सकता, तो मेन रिस्पॉन्स ये था कि आज तक कोई वीगन ने किया नहीं. चलो मैंने बोला ऐसे तो बहुत सारा यू नो चीज़ें दुनिया में हुई है जिस पहले किसी ने नहीं की थी और फिर किसी ने किया. सो ऐसा नहीं है कि यू नो ये नहीं हो सकता. मैंने पूछा रीजन क्या है, आप मुझे एग्जैक्ट रीजन बताओ. तो रीजनिंग ये थी कि तुम्हें ट्रेनिंग के लिए मांस खाना पड़ेगा, अंडा खाना पड़ेगा, तुम्हें दूध पीना पड़ेगा, तो तुम अच्छे से मसल बना पाओगे, अच्छे से एंड्योरेंस बना पाओगे, अच्छे से ट्रेन कर पाओगे और अच्छे से अपने आप को तैयार कर पाओगे कि एवरेस्ट चढ़ पाओगे. और फिर आई बात पहाड़ चढ़ने की इटसेल्फ, तो उसमें मुझे बोला कि अगर तुम जैसे घी हो गया या फिर जैसे चीज़ हो गया, अगर ये सब हाई कैलोरी आइटम नहीं खाओगे
तो तुम अपने आप को गर्म कैसे रख पाओगे? फिर अगर तुम चमड़ा नहीं पहनोगे और अगर तुम फेदर के जैकेट नहीं पहनोगे तो अपने आप को कैसे यू नो वार्म रखने वाले हो वहाँ? और ऐसा नहीं है कि पहाड़ पे जाके तुम्हारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती है, ऐसा कुछ होगा नहीं, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स तो बनी रहेंगी, तो ये कहाँ से तुम्हें ये सब मिलेगा? तो अब मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, कोई न्यूट्रिशन का बैकग्राउंड नहीं है मेरा, बट एज एन इंजीनियर भी मैं चीज़ें साइंटिफिक वे में समझ सकता हूँ, मैं चीज़ें साइंटिफिक वे में ब्रेक डाउन भी कर सकता हूँ और देख सकता हूँ। तो मैंने बोला बॉस प्लांट बेस्ड वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे प्रोटीन हो गया या कार्बोहाइड्रेट्स हो गया या फैट्स हो गया या फिर विटामिन और मिनरल हो गए, कैलोरीज हो गए, ये सारा कुछ अबंडेंस में अवेलेबल है प्लांट बेस्ड डाइट्स में या वीगन डाइट में। तो ये लोग जो बोल रहे हैं, मेरे दिमाग में ये बात बैठ नहीं रही है कि आप शाकाहारी होके पहाड़ नहीं चढ़ सकते हो। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट वेजिटेरियन कंट्रीज इन द वर्ल्ड, अभी इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट नॉन वेजिटेरियन कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जस्ट हमारे शेयर पॉपुलेशन डायनामिक्स की वजह से, बट इंडिया हैज प्रोड्यूस अमेजिंग माउंटेनियर्स हु हैव क्लाइम्ड माउंटेन्स ऑन अ वेजिटेरियन डाइट। तो मेरे माइंड में क्लियर था कि वेजिटेरियन डाइट में तो हो सकता है, मुझे ये भी क्लियर था कि वीगन डाइट में भी हो सकता है, किसी ने ट्राई नहीं किया है तो मुझे ट्राई करना है सिर्फ। मैंने बोला चलो मैं ट्राई करूंगा, पर करना है तो एज ए वीगन करना है वरना नहीं करना है, ये मेरे बात जम नहीं रही है। मैं किसी एनिमल के डेड बॉडी पे पैर रख के अपना ड्रीम पूरा नहीं करने वाला, ये मेरे माइंड में बहुत ही क्लैरिटी थी इस चीज की। सो आई डिसाइडेड टू एम्बार्क ऑन माई जर्नी। और अगर मैं आपको लास्ट 12 साल से भी मैं पहाड़ चढ़ रहा हूँ, अगर मैं आपको लास्ट 12 साल में लिस्ट ऑफ टॉप 100 चैलेंजेस में लिख लिख के दूं कि मुझे एवरेस्ट पे ये चैलेंज आई, वेदर बहुत बुरा था, हमें एक एवलांच हुआ, हम उसमें मरने वाले थे, हमें ये हुआ, मेरा ये दिक्कत आई, वीगनिज्म बहुत ही यू नो मुझे बहुत पीछे कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर मुझे 100 आइटम की लिस्ट बनानी है ना, तो वीगन डाइट उसमें 101वां नंबर भी में भी नहीं आएगा। इतना मतलब लोगों ने हाइप अप करके रखा था कि तुम वीगन बनोगे और अगर तुम वीगन की तरह चढ़ोगे तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया फ्रैंकली स्पीकिंग। और अगर मैं अपना बैकग्राउंड बताऊँ तो मैं गुजराती सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बहुत ही अनहेल्दी था, 110 किलो का मेरा वजन था। जिंदगी में मैंने कभी एक पहाड़, तो दूर की बात है अगर कोई मुझे बोले कि एक फ्लोर भी चढ़ना है तो मैं तो लिफ्ट लेके चढ़ता था। आपको पता है गुजराती कैसे होते हैं, गुजराती को यू नो अपना खाना अच्छा लगता है, अपना लग्जरी ट्रैवल अच्छा लगता है, वैसा ही टिपिकल गुजराती था मैं। और बॉम्बे में रहता था +40°C में। तो अगर मेरे जैसा बंदा वीगन डाइट यूज करके एवरेस्ट चढ़ सकता है तो मैं विथ 100% कॉन्फिडेंस बोल सकता हूँ कि दुनिया का बड़े में बड़ा ड्रीम वीगन डाइट पे सक्सेसफुल हो सकता है। आपके अंदर वो कमिटमेंट होना चाहिए, आपके अंदर वो चाह होनी चाहिए, आपके अंदर वो एंगल होना चाहिए कि बॉस मैं वीगन एनिमल्स के लिए हूँ, या मैं वीगन पर्यावरण के लिए हूँ, या वीगन मैं अपने हेल्थ के लिए हूँ, जो भी आपका एंगल है। मैं तो वीगन एनिमल्स के लिए बना। तो अभी मैं शॉर्ट में आंसर दूंगा, वीगन माउंटेनियर और नॉन वीगन माउंटेनियर के बीच में कोई फर्क नहीं है। अगर आप फर्क पूछ रहे हो स्ट्रेंथ के हिसाब से, एंड्योरेंस के हिसाब से, यू नो रगेडनेस ऑन द माउंटेन के हिसाब से, कोई फर्क नहीं है। फर्क है कि मैं एनिमल्स के लिए चॉइस करता हूँ और वो मेरी चॉइस है, बस यही फर्क है। और कभी कभी लोग यू नो मुझे पेडेस्टल पे चढ़ा देते, अरे कुंतल जॉयसर तो वीगन डाइट पे माउंट एवरेस्ट चढ़ा, कभी कभी मुझे लग रहा है लिटरली मेरा इंसल्ट कर रहे हैं लोग, या फिर वीगनिज्म का इंसल्ट कर रहे हैं। क्योंकि एक बात में अगर तुम मुझे इस चीज पे पेडेस्टल पे चढ़ा रहे हो कि वीगन डाइट होते हुए भी मैंने एवरेस्ट चढ़ा, तो ये तो हैंडीकैप वाली बात हो गई ना कि अरे वीगनिज्म मतलब तुम यू नो एक बिना एक पैर के या यू नो बिना दो पैर के चढ़े यू नो, और बहुत बड़ी बात है ये तो। वो लोग यू नो जो बिना दो पैर भी चढ़ रहे, वो लोग को भी यू नो उस रीजन से यू नो पेडेस्टल पे चढ़ाएंगे तो वो लोग भी बहुत यू नो दुखी होंगे कि तुम हमारा जो एक्चुअल एंडेवर है या जो हमने एक्चुअली किया है टॉप पे पहुंचना, उसको तुम साइड में रख रहे हो। क्योंकि यू नो मैंने मेरा हैंडीकैप था, इसके लिए मैं यू नो मैंने कुछ बड़ा यू नो अचीव कर लिया है। एनीवे आप मुझे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो मुझे तो अच्छा ही लग रहा है, और मुझे वीगनिज्म के बारे में बात करने का मौका मिलता है, मुझे वीगनिज्म के यू नो
के बेनिफिट्स और इन सब चीजों के बारे में मुझे लोगों को बताने को का मौका मिल रहा है, तो मेरे लिए तो ये इम्पोर्टेंट चीज है। बट आई विल ऑनेस्टली टेल यू कि वीगनिज्म कोई हैंडीकैप नहीं था मेरे जर्नी के दौरान। हाँ, मेरी जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस थे, काफी सारे फेलियर्स भी आए, काफी सारी चीजें हुई, ये सब कुछ था, बट वो कोई भी वीगनिज्म या वीगन डाइट के रिलेटेड नहीं था।